मॉड्यूल 183 एटी अंडर द ऑप्टिमाइजेशन, दिस टॉपिक परटेंस टू द कॉस्ट मिनिमाइजेशन व्हेन द फर्म इज हैविंग वेरियस प्लांट्स जैसा कि हमने अपने प्रीवियस मॉड्यूल में देखा था कि एक मार्केट की कॉस्ट मिनिमाइजेशन में समटाइम देयर कैन बी द फैक्टर ऑफ कार्टलाइजेशन। लेकिन उसी के मुकाबले में अगर हम देखें तो समाइम्स एक ही फर्म है लेकिन वो प्रोडक्शन अपने सिंगल प्लांट की बजाय अपने डिफरेंट प्लांट से ले रही है और ये प्लांट्स ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही इलाके में हो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दीज प्लांट्स दे आर अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन एट सम डिस्टेंट प्लेसेस अब कीपिंग इन व्यू दैट टाइम फ्रेम भी हो सकता है और वी कैन से ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी उसमें इन्वॉल्व हो सकती है जिसकी वजह से सम कॉस्ट एड हो रही हो एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इन दैट पर्टिकुलर एरिया इट विल ऑल्सो मैटर एंड वन थिंग मोर कि जो प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ऑल दोज प्लांट्स है देर इज़ नथिंग नेसेसरी कि वो तमाम में जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो सिमिलर इस्तेमाल हो रहा हो तो जो सबसे पहले हमें देखना है कि वो जो तमाम प्लांट्स हैं वो अपने लोकल लेवल के ऊपर क्या कर रहे हैं मीन दे विल बी अटेनिंग प्रोफिट मैक्माइजेशन फॉर ओनली देट प्लान्टॉर दैट प्रॉफिट मैक्माइजेशन के लिए वो जो कर रहे होंगे वो लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन पर जा रहे होंगे सो दे विल बी प्रोड्यूसिंग एट द लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन सो इफ देयर आर टू और द थ्री प्लांट्स एंड वी कैन से कि फर्म का एक ए प्लांट है एक बी प्लांट है और एक सी प्लांट है तो ए प्लांट को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है अपनी लीस्ट कॉस्ट को देखते हुए उसी तरह प्लांट बी जो है वो अपने अलहदा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अपने प्रोडक्शन फंक्शन को देखते हुए लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन पे जा रहा होगा लाइक वाइज द प्लांट थ्री जा रहा होगा अब ये तीनों प्लांट्स इंडिविजुअली प्रोड्यूस जरूर कर रहे हैं बट मार्केट में जो वो प्रोडक्शन जब लेके आ रहे होंगे तो चूंकि तीनों प्लांट्स ऑन द जम्पन के दे आर प्रोड्यूसिंग द सिमिलर और द होमोजीनियस प्रोडक्ट तो मार्केट में जो प्राइस है वो तीनों प्लांट्स जो हैं वो ज़ाहर है एक प्राइस पे ही चलेंगे बिकॉज़ वो जो प्राइस है इफ़ दीज प्लांट्स और द फॉर्म मोनापोलिस्ट नहीं है कि वो मार्केट को कंट्रोल करे बरदर वो आम जिसको हम कहेंगे परफेक्ट कंपटीशन पे चल रही है तो उसको मार्केट प्राइस पे जाना है अब ना वो द डिफरेंट प्लांट्स की कॉस्ट मीन द मार्जिनल कॉस्ट इंटरनली डिफरेंट हो सकती है लेकिन जो मार्जिनल रेवेन्यू या जो प्राइस है मार्केट में वो उनको एक ही के तहत काम करना होगा एंड नाउ कमिंग टू दिस अगर हम देखें कि जो ईच प्लांट है जो उसने अपना फंक्शन अगर हम वो करता है तो जो अगर दो प्लांट्स के हम प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि जो उसका कॉस्ट फंक्शन है वो हमारे पास आता है कि दैट इट इज़ इक्वल टू दैट मिनिमज कॉस्ट फॉर दैट गिवन लेवल ऑफ द आउटपुट तो ये उस एक प्लांट की टोटल कॉस्ट है और उसी तरीके से अगर हम कहें तो दिस कैन बी लाइक दिस दिस विल बी दैट कॉस्ट ऑफ प्लांट वन लाइक वाइज द कॉस्ट ऑफ प्लांट प्लान्टू एंड लाइक वाई द कॉस्ट ऑफ द प्लांट थ्री और उसी तरीके से हम कहें तो ये उस प्लांट का अपना आउटपुट होगा मेन ये वो वाई वन आउटपुट दे रहा है प्लांट टू वाई टू दे रहा है और उसी तरीके से जो तीसरा प्लांट है वो वाई थ्री दे रहा है तो इट मीन वट विल बी द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द आउटपुट दैट इज़ बींग प्रोड्यूस्ड बाई दैट स्पेसिफिक प्लांट और जो इनपुट की प्राइस हैं वो अब हमने फ़िलहाल इस कॉस्ट फंक्शन में एक्सप्रेस नहीं की और इसी तरीके से अगर हम अब अग यूटिलाइज़ करें तो देन वी कैन से कि जो मिनिमाइजेशन की इक्वेशन में अगर हम जाते हैं तो मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट इट विल बी एंड नाउ दैट विल बी सब्जेक्ट टू अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अगर दो प्लांट का केस है तो हमने इन दोनों की कॉस्ट को एड अप कर दिया और अगर जब हम आउटपुट की भी बात करेंगे तो वो सब्जेक्ट में उन दोनों का आउटपुट भी एडअप होगा इफ़ इट विल बी द केस ऑफ मोर देन टू थ्री फोर प्लांट्स लाइकवाइज इट विल बी द बिकॉज इन मार्केट के लिए हमने जो लेके जानी है वो एक सिंगल मार्जिनल कॉस्ट को हमें एक्सप्रेस करना है जिसको इक्वेट करना है हमने मार्किट की प्राइस से मार्जिनल रेवेन्यू से सो इन दिस केस वी विल सम अप द कॉस्ट ऑफ ऑल द प्लांट्स सब्जेक्ट टू देयर आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय दो प्लांट्स सो जब मार्जिनल कॉस्ट पहले प्लांट की है हम अज्यूम करते हैं कि वो स्ट्रिक्टली कन्वेक्स है जिस तरीके से हमारे पास प्रीवियस एग्जाम्पल्स में थी तो मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज़ इन द आउटपुट और इसी तरीके से अगर हम देखें तो जब हम इनको एडअप करेंगे तो हम कहते हैं कि वो कम्बिनेशन और द एडिशन ऑफ दिस टू कॉस्ट इज आल्सो कन्वेक्स इन द आउटपुट लेवल एंड दस इसके ऊपर हम फिर कॉन्टक्कर की कंडीशन के तहत जो नेसेसरी रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं एंड वेन वी अप्लाई दिस थ्रू द लेग्रेंज वी विल सी दैट दिस विल बी द ऑप्टीमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट मीन मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट प्लस लैमडा अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा आउटपुट लेवल है वो हमने अब फिक्स कर लिया कि नाउ द टोटल आउटपुट इज़ वाई नॉट एंड दिस इज टोटल वाई दैट द दम्बिनेशन ऑफ वाई मीन आउटपुट ऑफ फर्स्ट प्लान्टई टू ऑफ द सेकेंड प्लाट एंड एज वी हैव टेकन द केस 1 plus 2 or the 3. So then it will be similar when we have to consider the case of the 3 plants. So considering the contour conditions, we will be applying this model here. And then for the Lagrange, we will have this equation, which means that the first derivative of this C1 means that will be the change in the Lagrange due to the change in the output of the फर्स्ट प्लान देर विल भी दिस इक्वल टू दिस लेमडा एंड लाइक वाइज वेन इट विल बी फॉर द सेकेंड प्लांट एंड द थर्ड सो दिस विल भी द टोटल द ग्रेंज ऑफ द लेमडा एंड दिस विल भी इक्वल टू दिस लेमडा एंड टू द होल फंक्शन एंड वो विल अप्लाई दिस इंडिविजुअली जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस लेमडा इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट प्लांट एंड हेयर दिस लेमडा विल भी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द सेकेंड प्लांट लाइकवाइज वो फर्म की जो कॉस्ट है वो इनक्रीज करती है अगर उसका आउटपुट जो उसके रिक्वायर अमाउंट के तहत चल रहा है अब यह मार्जिनल कॉस्ट होगी हमारे पास उस फॉर्म की वो इज़ हैविंग मोर देन वन प्लांट और दैट इज़ द मल्टी प्लांट फॉर्म सो एट लीस्ट वन ऑफ दैट आउटपुट मस्ट बी पॉजिटिव Means, कहीं भी फर्म का टू सेटिस्फाई द आउटपुट रिक्वायरमेंट कॉन्स्ट्रेंट अब इसी सॉल्यूशन को अगर हम देखें तो वो जो फर्म है वो डिपेंड कर रही है आइधर किसी एक प्लांट पे या वो कम्बिनेशन ऑफ बोथ प्लांट पे जब वो कॉस्ट को मिनिमाइज कर रही है मीन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट को मद्देनजर रखते हुए जो फर्म डिसीजन करे तो वो दोनों प्लांट्स में कॉस्ट मिनिमाइजेशन पे जाए या सम वो किसी एक ही प्लांट की कॉस्ट को सब्जेक्ट टू आउटपुट जो वो अटेन करना चाहती है रख के उसको यूटिलाइज करें और अगर वो दोनों प्लांट्स को यूटिलाइज करती है तो देन वी विल से कि वो जो उसकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्लांट है इट शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द सेकेंड प्लांट एंड इट शुड बी इक्वल टू द लेमडा एंड दिस कॉस्ट दे आर मिनिमाइज वैन आउटपुट इज एलोकेटेड बिटवीन द टू प्लांट इन दैट वे दैट दे विल बी एक्लाइजिंग देयर मार्जिनल कॉस्ट इन द बोथ सेटअप्स तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बेस्ट रिसोर्स एलोकेशन की एग्जाम्पल को शो करेगा इक्वली बिटवीन द टू एंड लाइक वाइज अगर ये तीन प्लांट्स होंगे तो देन वी कैन से उसको तीनों को इक्वेट लेके चलना होगा अगर उसने तीनों प्लांट्स को अपनी कॉस्ट मिनिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करना है अब इसकी हम ग्राफिकल एग्जाम्पल में अगर आए तो वी कैन से कि ये उसका फर्स्ट प्लांट है और उस फर्स्ट प्लांट में विद द इंक्रीज इन द आउटपुट ऑफ द फर्म कॉस्ट जो है वो इस फॉर्म में इंक्रीज हो रही है और जो सेकंड अगर हम देखें प्लांट में तो उसका प्रोडक्शन फंक्शन माइट भी डिफरेंट हो तो विद द चेंज इन द आउटपुट उसकी जो चेंज इन कॉस्ट है वो इस फॉर्म में आ रही है तो जब हमने उसको मार्केट के हवाले से करना होगा तो हम उन दोनों पॉइंट्स को एडअप करेंगे मेन ये वाला मार्जिनल कॉस्ट एंड दिस मार्जिनल कॉस्ट पॉइंट दे बोथ विल बी इक्वेटेड इन द सेंस और ये यहाँ पे हमारे पास मार्केट के लिए जो उसने अपने टोटल प्रोड्यूस दी है मल्टी प्लांट केस पे शो करेगा और यहाँ का कॉस्ट कब अगर हम देखें तो ये इनिशियली स्लोप फर्स्ट प्लांट वाली शो कर रहा है जो कि यहाँ तक है एंड आफ्टर दैट बिकॉज नाउ वी हैव अडोप्टिड दिस तो इट इज़ हैविंग स्लाइटली चेंज मेन क्योंकि ये उन दोनों के एडिड ऑस्पेक्ट को शो कर रहा है तो इन दैट फॉर्म में वो उसकी अपनी मार्जिनल कॉस्ट को एडजस्ट करेगा और वो मार्जिनल कॉस्ट मीन्स कि वो अपने आउटपुट को एडजस्ट करेगा कि उसको कितने आउटपुट की प्रोडक्शन को फिक्स करना है ताकि वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सके अब यहाँ पे इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है समटाइम्स वो ये सी कि जो मार्केट की प्राइस है वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट के साथ इक्वेट कर रही है या नहीं अगर तो उसकी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू मीन द मार्केट प्राइस से ज़्यादा है तो वो आउटपुट को रिड्यूस करेगा और अगर वो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो लेस देन मार्केट प्राइस आ रही है तो देन इट गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू द फर्म के वो फर्दर अपने आउटपुट को एनहांस कर सके तो लेकिन यहाँ पे हमें कॉस्ट मिनिमाइजेशन टेक्निक उस वक्त देखनी होती है जब वो अपने आउटपुट को फिक्स एक्सेप्ट कर रहा होता है